हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे टीवीएस मोटर्स कंपनी के बारे में। एक्जैक्टली वन मंथ पहले, लास्ट मंथ 12 को मैंने एक वीडियो बनाया था टीवीएस मोटर्स का। इसका प्राइस 580 के करीब था। मैंने बोला था बेस्ट बाइंग प्राइस है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत करेक्ट हो चुका है। अगर आप इस लेवल में बाय करते हो 750 आपको नेक्स्ट 3 महीने में मिलेगा। विद इन अ वन मंथ स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट 10-12% बढ़ चुका है, फ्रॉम 580 टू 653। 600 is the best buying zone for this particular stock. वहां से भी नीचे स्टॉक चला गया था, so definitely it was a golden opportunity to invest. जिन लोगों ने बाई किया है वो होल्ड करें, फ्रेश बाई करना है थोड़ा करेक्शन में फिर बाई करें। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत नीचे जाएगा, बट 620 इज द बाइंग जोन, जहां पे आना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो ये बहुत नीचे जाएगा। आने वाले टाइम में सेल्स और बढ़ेंगे एंड इसका जो प्राइस है वो 850-900 तक जा सकता है। प्राइस टू अर्निंग इज अट्रैक्टिव, 39 का प्राइस जो है। हालांकि टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट आई एम वेरी बुलिश ऑन टीवीएस मोटर्स एंड आयशर मोटर्स। ये दो स्टॉक है मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ। एंड अनदर स्टॉक जो बाय ऑन डिप से वह हीरो मोटर का, मार्केट कैप 31,000 करोड़ है। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एंड एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म है किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के आरएसआई एमएफआई देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, सो वो कुछ इस प्रकार है। आरएसआई में 64.6 एंड एमएफआई में 77। शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, इसलिए एमएफआई में स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट है, बट आरएसआई में ओवरबॉट नहीं है, 65 के करीब है। सो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए तो दैट विल बी अ हेल्दी करेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जहां पे आपको और एक्युमुलेट करना है। वन वीक हाई लो देखोगे 626-656, वन मंथ हाई लो 535-656, दैट इज अ बिग गैप जोन, एंड थ्री मंथ हाई लो 513, दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्टर से ये कि 500 स्टॉक का सबसे बड़ा सपोर्ट इज द मेक और ब्रेक लेवल, बट रिसेंट करेक्शन में स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया था एंड इन स्टॉक 535 तो स्लिप हो गया था। सो 530-550 के जोन पे जिन लोगों ने बाई किया वो तो अभी होल्ड करे। आई एम नॉट थिंकिंग ये बहुत नीचे आएगा, बट 600 स्टॉक का हमेशा से एक बाइंग जोन रहता है। उस टाइम जो स्टॉक के साथ हुआ था वो एग्जैक्टली ओवरसोल्ड हो गया था, बट वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। मैंने स्टॉक को 580 के करीब रिकमेंड किया था, क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर लेवल मुझे मार्केट थोड़ा स्टेबल लग रहा था एंड मुझे ये स्टॉक के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। सो डेफिनेटली थोड़ा नीचे आए तो और आपको बाई करना है, क्योंकि वन मंथ में ऑलमोस्ट मोर देन 100 रुपीज बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है, उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए जो इतना ओवरबॉट नहीं हुए, यानी अपने लो से 10% ही बढ़े हैं। दैट स्टॉक्स आर मच मोर बेटर देन दो स्टॉक्स जो के 20-30% एक महीने में बढ़ चुके हैं। सो डेफिनेटली करेक्शन में आपको बाई करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना है। अगर अभी स्टॉक का आरएसआई एमएफआई देखोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, तो उसमें ये क्लियरली एमएफआई में ओवरबॉट है, आरएसआई में ओवरबॉट अभी तक नहीं हुआ। अगर आप स्टॉक का 100-200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखोगे, सो 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 622, 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 612, सो 600 अब स्टॉक का बहुत बड़ा सपोर्ट है, 610-612। आई होप इस जोन पे आए तो आपको बाई करना, दैट इज आई एम सेइंग 620-600 इज अ बाइंग जोन। 620 पे थोड़ा बाई कीजिए, 600 आता है तो बाई कीजिए। मार्केट इज वोलेटाइल, ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ऐसा ही जाएगा, थोड़ा करेक्शन में आए तो बाई कर सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट बाइंग जोन। अभी आप बाई करो स्टॉक थोड़ा नीचे आए तो आप टैप हो सकते हो, फिर ऊपर आए सो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, 680-700-750 तक जा सकता है, बट डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आता है तो दैट विल बी द बेस्ट बाइंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये एमएफआई में ओवर सोल्ड है। एंड लास्ट डे मार्केट में भी हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा, तो थोड़ा करेक्शन में तो 620 तक ये आ ही सकता है। नाउ दैट इज द रेंज। अगर आप स्टॉक के हम फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल्स सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर्स के साथ कंपैरिजन। इन द टू व्हीलर सेगमेंट नंबर वन इज हीरो मोटर्स को, मार्केट कैप इज 47,000 करोड़। देन टीवीएस मोटर्स आता है जिसका 31,000 का मार्केट करोड़ है, एंड आयशर मोटर्स इज अनदर कंपनी जिसका 69 करोड़ है। सो आयशर मोटर्स नंबर वन कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 का, जो मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं लग रहा, इसका भी 3,000 का मेरा टारगेट है। सेकेंड जो स्टॉक बेस्ट आता है हीरो मोटर का, जो भी एक अच्छा स्टॉक है, बट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कंपनी के साथ, तो जब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाता ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए। बेस्ट बाइंग है टीवीएस मोटर्स एंड आयशर मोटर्स फॉर मी, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का पूरा पूरा दमखम रखता है। लास्ट अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें एंड रिजल्ट को देखें, सो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे। नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा, यानी रिजल्ट सीजन इज अबाउट टू बिगिन, एंड इस क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, सेल्स नंबर विल बी आउटस्टैंडिंग। हालांकि लास्ट क्वार्टर में फेस्टिवल सीजन था, तो उन सीजन में सेल्स अच्छे खासे रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दिस पर्टिकुलर क्वार्टर सेल्स थोड़े बहुत खराब रहेंगे। सेल्स आर डूइंग वेल एंड एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घट सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस जितने बढ़े कस्टमर्स को इन्होंने उतना पास ऑन नहीं किया, एंड आने वाले 2-3 दिनों में शायद प्राइस और हाई को, बट रिजल्ट पे कितने इंपैक्ट आएगा ये कह पाना मुश्किल है। सो
अगर रिजल्ट फ्लैट रहता है यानी 250 से 225 220 करो, सो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, दैट विल बी द टाइम टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आई एम नॉट सेइंग दैट ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने रिटर्न दिया है, सो थोड़ा नीचे बाय कीजिए, फिर ये 700-750 तक का जाने का दमखम रखता है। सबसे लास्ट में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास 52% है, एफआई के पास 12% एंड डीआई के पास 25%, पब्लिक होल्डिंग लेस देन 10% है। सो डीआई का बहुत कॉन्फिडेंस है, डीआई जिस स्टॉक में बुलिश होता है वो ज्यादा जोर से गिरते नहीं, एंड जब बाइंग आता है अच्छा खासा इंप्रूव होता है, एंड ओवर द ईयर डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, एफआई स्टेक ने बढ़ाया है, पब्लिक होल्डिंग इज रिमेन सेम, सो डेफिनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड। मैं स्टॉक में ज्यादा बुलिश होता हूँ जिसमें डीआई का स्टेक एफआई से ज्यादा होता है, वो स्लो मूवर होते हैं बट गिनने के बाद अच्छा बाउंस बैक भी करते हैं, बट एफआई स्टॉक्स बढ़ते जल्दी एंड घटते भी जल्दी एंड क्रैप होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। ये तो स्टॉक का एनालिसिस, प्रीवियस टारगेट भी 750 है, मेरा अभी स्टॉक का टारगेट 750 है, जो कि नेक्स्ट 2-3 महीने में स्टॉक डेफिनेटली अचीव करेगा। एंड ये वीडियो बनाने का मकसद से एजुकेशनल पर्पज, यहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है हाउ टू एनालाइज द स्टॉक एंड किस स्टॉक के ऊपर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, लेकिन डिसीजन आपका खुद का है। बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और टेक योर ओन डिसीजन। मैं कभी भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा स्टॉक को बाय करें स्टॉक को सेल करें, ये मेरा पर्सनल व्यू है एंड फाइनल डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।